जिस दिन ये घटना घटित हुआ मैं दिल्ली में थी और एक दो दिन वहाँ रुकना था, लेकिन मैं जैसे ये संवाद मुझे मिला तो मैं यहाँ आई, तो मैं यहाँ आने वाली थी उसी दिन। तो सीएम ने बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, आप थोड़ा नहीं जाइए, आप बाद में जाइए, वहाँ क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं। और इसीलिए मैं फिर बीच में भी आना चाहती थी तो आज मैं आई। मैं यहाँ आके जो उस परिवार से मैं मिली, तो सभी महिलाओं से बातें की, वहाँ बहुत सारे आदमी थे उनसे भी बातें की। सचमुच वो बहुत ही ये दिल दहला देने वाला ये घटना है। एक एक साथ 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 एक जवानों को जिसका एज 22, 23, 24, 25 के अंदर ये साथ साथ बच्चों को मार दिया गया। ये फिर ये ऐसे ही नहीं, पूरा नृशंस के साथ, पूरा ये बर्ड बकरी के जैसा मार दिया गया उनके माता पिता के सामने। ये बहुत ही ये दुखद घटना है, ऐसे घटना और आगे ना घटे। इसका दोष ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ये पत्थल गाड़ी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जितने भी सुविधाएं हैं हमको मिले, हमको राशन मिले, हम लोगों को हर चीज़ मिले, भत्ता मिले, हर चीज़ मिले, पढ़ने के लिए सुविधा भी मिले। लेकिन जो दूसरे जो ग्रुप के वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट का सुविधा कुछ नहीं लें, क्योंकि ये लोग गरीब है, लेने के लिए ये कंपेल है, क्योंकि हमको लेना ही है, नहीं तो हम यहाँ अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। क्योंकि उनके पास मैंने पूछा कि उनके पास ये ज़मीन भी है, साल भर के लिए वो धान खेती नहीं होता, धान एक ही खेती वो करते हैं, धान खेती साल भर के लिए वो नहीं होता, और बच्चों को इस पढ़ा नहीं पाते या हेल्थ सुविधा नहीं दे पाते, इसीलिए वो कहते हैं कि हमको तो लेना ही है, गवर्नमेंट का सुविधा लेना ही है। और गवर्नमेंट का जो भी बोर्ड देने के लिए भी अपना जो फ्रेंचाइज है, अडल फ्रेंचाइज, उसको भी हमको अवेल करना है, हम लोग वोट भी दिए, हर कुछ दिए। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के थे उन्होंने बोल रहे थे कि हम लोगों को ये गवर्नमेंट का कोई भी सुविधा या गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्शन हमको मानना नहीं, हमको दूसरा गवर्नमेंट बनाना है, खुद हम गवर्नमेंट बनाएंगे और हम ये गवर्नमेंट के साथ हम लोगों को नहीं जाना है। इनका दोष वही था कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का हर विकास लेना चाहते हैं, विकास का सुविधा लेना चाहते हैं और गवर्नमेंट के साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए वो एक मैसेज देना चाहते थे कि ऐसे आप लोग जो लोग गवर्नमेंट का फैसिलिटी लेंगे उनको ये बेड बकरी की तरह हम मरेंगे, इसीलिए आप हम लोगों के साथ आइए तो ठीक है, नहीं तो जो भी बचा कुचा है अभी भी वो कहते हैं जो भी है उनको, उन लोगों को भी हम ख़त्म कर दें। ये बहुत सारी चीज़ मैंने दुखद घटना है, इसीलिए यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गवर्नमेंट यहाँ कैंप लगाए हैं, यहाँ जितने अधिकारी बीच बीच में आते हैं, इन लोगों को भी जो लोग ये सब करते हैं, यहाँ ये भारत एक ऐसा देश है, ये एक सेकुलर देश है, और ये हर कोई अपना धर्म ले सकते हैं, यहाँ तो हर तरीके धर्म लोग होते हैं, ये अलग धर्म, ये कहते हैं कि हम हो मुंडा जो है, हम हो मुंडा ये नहीं है, हम एक दूसरा है, इसीलिए वो एसी लिखते हैं, एसी का आंटी क्राइस्ट, हम आंटी क्राइस्ट हैं। तो आप लेना चाहते हैं आप लीजिए, लेकिन इन लोगों को आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी किसका डायरेक्शन से ऐसे करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो इंक्वायरी चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे लगता है इन फ्यूचर ऐसे घटना और घटित ना हो और गरीब लोगों को ऐसे परेशान ना किया जाए, ना डराया जाए, डर डर के जीने का ये देश हम लोगों का है, यहाँ रहने का हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए ये आगे ऐसे ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट तैनात है, यहाँ के अधिकारी तैनात है, यहाँ कैंप भी बनाया हुआ है, मुझे लगता है इसीलिए मैं आई थी कि ये इन लोगों को थोड़ा तसल्ली मिले कि हों हम आपके पीछे हैं, ना डरे, इसीलिए मैं इनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए मैं आई थी। महामहिम जरूर, क्योंकि ये लोग मैं बहुत जगह गई हूँ,
पहाड़ के ऊपर में भी लाइट जल रहा है, पहाड़ के ऊपर भी बिल्डिंग है, पहाड़ के ऊपर में भी रास्ता, ऊपर तो रास्ता गई है, यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है। और यहाँ का इन लोग अभी भी झरना के पानी पीते हैं। मुझे लगता है यहाँ ट्यूबवेल बनाना चाहिए। ट्यूबवेल सक्सेस होगा कि पता नहीं, शायद और दूसरा कुछ सैनिटेशन बनाएंगे। और ये कहते हैं स्कूल है भी, चार टीचर है, वो कहते हैं स्कूल है, और क्लास फाइव तक भी स्कूल है, और क्लास एट से टेन तक भी स्कूल है, लेकिन वो कहते हैं और थोड़ा टीचर चाहिए, बहुत सारा उनका डिमांड है। मुझे लगता है उसको फुल करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी हर सुविधा मिल रहना चाहिए जो दूसरों को मिल रहा है, क्योंकि इन लोगों का भी फंडामेंटल राइट्स है। और लेकर के गवर्नमेंट उनको एडमिशन दिलाए हैं, और जो भी बच्चे हैं उनको भी बाहर, जो ये लोग इतने अभी तो केवल महिलाएं हैं, उनको सहयोग करेंगे। अभी तक एक दो बच्चे अभी क्लास फाइव तो पढ़ रहे हैं, उनको भी दूसरे स्कूल में हम एडमिशन देना दिलाने के लिए इनको मैं बोली हूँ। मुझे लगता है जितने बच्चों को पढ़ाओ, इन लोगों का मकसद है, यहाँ के बच्चे जो पत्थलगड़ी को समर्थन नहीं करते, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो आगे नहीं जाने देंगे।